कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में कॉमन फैशनेबल ब्यूटी हब। कैसे हो आप सब। और आज का ये लुक मैंने यहाँ क्रिएट किया है, किसी भी आपको ओकेशन पर इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। साउन स्टार्ट हो गया आपको तो पता है, एंड नेक्स्ट ईयर से राखी भी आने वाली है, तो राखी स्पेशल लुक मैंने यहाँ क्रिएट किया है, तो इस लुक को आप किसी भी ओकेशन पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बाद बेल बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाउ दिस फ्रेंड्स, यहाँ मैं सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से क्लच करूँगी ताकि ये डिस्टर्ब मुझे ना हो मेकअप करते वक्त। इस सबसे पहले यहाँ मैंने कर लिया था अपना फेस को वॉश, एंड इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सबसे पहले यहाँ टोनर, एंड जो कि ये नीम और तुलसी का है, ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए बेस्ट है। टोनर हमारे फेस के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, ओपन पोर्स को फाइलेंस करता है, इसलिए टोनर का यूज़ ज़रूर कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है डम डोप का एंटी एजिंग फेस सीरम। फिर सीरम का यूज़ आप ज़रूर कीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सीरम का यूज़ ज़रूर कीजिए, आपकी फेस के डैमेज स्किन को भी ये हाइड्रेट करेगा एंड आपकी स्किन पर ये ग्लो भी लेके आएगा। तो बहुत ही अच्छा ये डमडोक का सीरम है, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। इसके बाद मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र की जगह यूज़ करूँगी पर्पल 24 कैरेट गोल्ड ऑयल। मॉइस्चराइज़र का यूज़ मैं नहीं करूँगी, मुझे अपने फेस पर एक प्यारा सा ग्लो चाहिए, तो यहाँ मैं फेशियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ गोल्ड, जो कि 24 कैरेट गोल्ड ऑयल है, काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है प्राइमर, जो कि NYBA का ट्रेवल फ्रेंडली प्राइमर है, सिलिकॉन प्राइमर है, तो भी जब भी आप प्राइमर का यूज़ करो तो वो सिलिकॉन होना चाहिए। तो यहाँ मैं लगा लूँगी, और वहाँ मैं लगाऊँगी जहाँ मुझे पसीने की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो वहाँ मैं प्राइमर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगाऊँगी। सो नाउ इसकी फ्रेंड, इसके बाद मैं यहाँ करूँगी कलर करेक्शन अपने फेस पर। यहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है, जो कि मैं अपनी फिंगर टिप से लगाऊँगी जहाँ जहाँ मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, डार्कनेस जहाँ जहाँ मुझे है वहाँ वहाँ मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे रेडनेस है वहाँ वहाँ मैं ग्रीन करेक्टर का यूज़ करूँगी। लेकिन रेडनेस मेरे को है नहीं है मेरे फेस पर, तो इसलिए मैं ग्रीन करेक्टर का यूज़ नहीं करूँगी। अब मैंने यहाँ लिया है स्ट्रे कुर्की का फाउंडेशन, जो कि मैंने यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है। मैं इसे पहले पूरे फेस पर अच्छे से कवर करूँगी, एंड बहुत कम क्वांटिटी में आपको फाउंडेशन लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि समर के टाइम है, समर टाइम में अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो काला पड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके कम क्वांटिटी लीजिए। एंड ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ ले लिया मैंने, ब्यूटी ब्लेंडर आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, पहले आपको अच्छे से उसको वेट कर लेना है, वेट करने के बाद ही आपको उसे यूज़ करना है। नाउ इसके बाद मैंने यहाँ ली है डार्लिंग इसाबेला की ये फाउंडेशन स्टिक। यहाँ मैं फिर से फाउंडेशन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरी स्किन जो है ऑयली है, और लिक्विड का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। समर टाइम में आप लिक्विड का यूज़ बहुत कम ही कीजिए। मैंने बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ लिया था फाउंडेशन लिक्विड, तो इसके ऊपर मैं यहाँ स्टिक का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो काला ना पड़े। तो यहाँ मैंने ले लिया डार्लिंग इसाबेला की एक कंसीलर स्टिक, जो कि काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल रेंज की है। डार्लिंग इसाबेला एक जाना माना ब्रांड है, जिसके सारे प्रोडक्ट अच्छे ही अच्छे हैं, इनके लिक्विड कंसीलर भी बहुत अच्छे हैं, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियोज़ में उसे यूज़ करती हूँ। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पर मैंने अप्लाई कर लिया एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी, आइस के ऊपर भी मैंने इसे लगाया है। तो ये फाउंडेशन स्टिक है, आप कंसीलर स्टिक भी बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, जो कि आपको ओनली ये 120 या 150 के अंडर मिल जाएगी। नाउ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से ही, आपको डैप डैप करके करना है, घसीटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि हाँ मैंने किस तरीके से ब्लेंड किया है पूरे फेस पर। तो ब्लेंड करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि बेस मेरा परफेक्ट यहाँ बन चुका है, तो इसी को मैं अच्छे से पहले अपने नेक पर लगाऊंगी ताकि मेरे नेक पर जो ब्लैकनेस है वो भी थोड़ी हाइड हो जाए, नेक मेरी ब्लैक भी ना लगे, इवन लगे मेरे नेक का और फेस का कलर इवन लगे। तो बस यहाँ मैंने कर लिया अप्लाई, एंड नाउ इसके बाद मैंने यहाँ लिया है ये है स्ट्रे कुर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर, सॉरी लूज़ पाउडर, ये लूज़ पाउडर है। मैं लूज़ पाउडर का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि लूज़ पाउडर बेस्ट ऑप्शन होते हैं समर के लिए। अगर आपके फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर से पैचेस आते हैं, पैचेस आने का चांस है, आप जब भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं तो आपके नोज़ के पास स्केचेस आ जाते हैं, तो आप लूज़ पाउडर का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके फेस पर स्केचेस या फिर पैचेस आने के कोई भी चांस नहीं रहेगा। और स्ट्रे कुर्की का लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ मैंने कर लिया अपने पूरे फेस को पैक अच्छे से। इसके बाद मैंने यहाँ ये पैलेट लिया है जैकलिन हील आई शेडो पैलेट, तो इसमें से मैं यहाँ लूँगी रेड शेड,
रेड नहीं है, ये पिंक शेड है, पिंक एंड थोड़ा सा मिक्स है इसमें शेड। क्योंकि मैंने ये शेड इसलिए लिया है, मेरी साड़ी में जो है वो रेड कलर का टेंट उसमें दे रखा है। आप जिस कलर का ड्रेस पहनते हैं, जो कलर आपके ड्रेस में सबसे ज़्यादा है, आप उसी कलर का ना क्रीज अप्लाई कीजिए। मेरे साड़ी में रेड कलर की कढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए मैं उसी कलर का जो है क्रीज अप्लाई कर रही हूँ। क्रीज मैं उसी कलर का दूंगी ताकि जो हमारा जो आई शेडो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। नाउ इसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी सॉरी मेरे जो यह ब्रश है इसी से करूँगी। ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है और मैंने डार्लिंग इसाबेला का ये लिक्विड कंसीलर लिया है, इससे मैं अप्लाई करूँगी कट क्रीज। ओके गाइस, तो यहाँ मैं फुल कट क्रीज दूँगी, हाफ कट क्रीज नहीं दूँगी, आज फुल कट क्रीज अप्लाई करूँगी। गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कंसीलर से कट क्रीज दे रहे हैं तो आपको ब्रश का यूज़ करना है, आपको किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको एक फ्लैट ब्रश ले लेना है, जो भी आपके पास कोई भी क्वांटिटी का, कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का हो। लेकिन मैंने जो यहाँ ब्रश लिया है ये मेरा मैंने कला फैक्ट्री से पहले बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा है, ओनली मेरे को 225 में आराम से इजीली मिल गया था। तो यहाँ मैं कट क्रीज कर लूँगी अप्लाई अच्छे से, और कट क्रीज देने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेस्ट मुझे कीजिए कि आपको किस तरह की आपको वीडियोस देखना आप पसंद करेंगे, तो मैं उसी तरीके के सजेशंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, आपका एक लाइक हमें वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस यहाँ मैंने कर लिया है कट क्रीज, इसके बाद मैं अपने ब्रश को करूँगी अच्छे से स्प्रे, और यहाँ मैंने स्प्रे किया है सेटिंग स्प्रे से, और इसके बाद मैं यहाँ ग्लिटरी शेड लूँगी, और ये मेरा ग्लिटरी शेड है, ग्रीन कलर का ग्लिटरी शेड, इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने कट क्रीज के ऊपर। नाउ आपको बस यहाँ अप्लाई करना है, ब्लेंड आपको नहीं करना, अप्लाई करके आपको छोड़ देना है। ओके, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अपनी फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से टेंट बहुत अच्छा आता है। एंड में यहाँ ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ तो ब्रश से भी आपका टेंट अच्छा आएगा अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो अपने ब्रश पर, इसलिए। तो गाइज़ यहाँ मैंने कर लिया अच्छे से, और यहाँ मैंने फुल कट क्रीज अप्लाई किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना प्यारा एक टेंट मुझे यहाँ मिल रहा है आइस में। एंड यहाँ आप कर लीजिए दोनों आइस में इक्वली आपको करना है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं करना है, आपको इक्वली दोनों में कलर अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा आपको जो है कलर लेना है और अप्लाई करना है। गाइज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मेरी आने वाली मोर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज यहाँ मैं लगा लूँगी अपनी दोनों आइस में, ये इतना मेरा हुआ कंप्लीट। इसके बाद मैंने यहाँ ली है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल और एनवाईबे की आईब्रो पेंसिल, दोनों ली हैं। पहले मैं एनवाईबे का आईब्रो पेंसिल लूँगी, जो कि मैं थोड़ा सा टेंट देने के लिए यहाँ ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन पेंसिल ताकि मेरा जो शेड है आईब्रो का वो नेचुरली लगे। तो यहाँ मैंने अप्लाई कर लिया ब्राउन पेंसिल ब्लैक के ऊपर, और वेट एंड वाइल्ड का जो ये आईब्रो पेंसिल है काफ़ी अच्छा है, इसके पीछे आपको स्पूली दी जाती है, तो स्पूली से मैं यहाँ कॉम कर लूँगी अच्छे से, तो आप खुद ही देखेंगे कि कितनी नेचुरली मेरी आईब्रोस लगने लगी है। तो गाइस इसके बाद मैंने लिया है स्ट्रे कुर्की का ये आईलाइनर, जो कि काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में है, बजट फ्रेंडली है, ब्राइडल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड आप इसे purple.com से परचेस कीजिए, जितने भी मैंने आप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो सारे purple.com से मैंने परचेस किए हैं, बजट फ्रेंडली है, अफोर्डेबल रेंज के हैं, ज़्यादा हाई रेंज के नहीं है गाइस। इस तरीके से अगर आप इन सब प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और इन सब प्रोडक्ट यूज़ करके ही आप इस तरीके का लुक क्रिएट करते हैं तो आपका ज़्यादा महंगा ये जो है सामान नहीं आएगा, बहुत ही सस्ता आपका, इसलिए बजट में आपको ये purple.com से मिल जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा वाइन बनाऊँगी आईलाइनर ताकि मेरी जो आईज है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। वाइन आईलाइनर आपके हर एक ओकेशन पर जाएगा, किसी भी ओकेशन पर अगर आप रेडी होते हो तो आप वाइन क्रिएट करिए, तो आपका जो लुक है ना इसका वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा गाइस। यहाँ हमने लगा लिया आईलाइनर एंड दोनों आईज में मैं इक्वली लगाऊंगी, तो आप देख पा रहे हैं। और जो इसका एप्लीकेटर है आईलाइनर का काफ़ी अच्छा है, पूरा फोकस हाथ में होता है इसका, तो यहाँ मैं लगा लिया। मैं लगाऊंगी लिप बाम, जो कि मैंने यहाँ purple.com से परचेस किया था ओनली 300 में, ये काफ़ी अच्छा है गाइज। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है वेला कोस्टा का ये मश्कारा, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ फेक लैशेस का यूज़ नहीं करूँगी, फेक लैशेस मुझे इतना तो पसंद नहीं है यूज़ करना, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं यहाँ फेक लैशेस यूज़ करके आपको मैं लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं अच्छे से कर्ल कर लूँगी, और ये मश्कारा काफ़ी अच्छा है, आपकी लैशेस को अच्छे से कर्ल कर देता है, तो आपको फिर फेक लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड नाउ तो यहाँ मैंने अच्छे से कर लिया है। एंड आपको ना एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप मश्कारे का यूज़ करो ना, तो आपको ना एक बात का ध्यान रखना है कि आपके फेस पर ना वो गिरे ना, ठीक है,
अगर आप पहले आई स्लिप कर लीजिए, उसके बाद आप बेस अपना बनाइए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ NYB की आईब्रो पेंसिल ली है, जिसे मैं अपनी वाटर लाइन के अंदर लगा रही हूँ। वाटर लाइन में लगाऊंगी बहुत पतला। उसके बाद वाटर लाइन के बाहर मैं अपना उसी आई शेडो पैलेट में से ग्रीन शेड लेके अच्छे से स्मच करूँगी। स्मच आपको ज़रूर करना है, स्मच नहीं करेंगे तो आपका जो लुक है ना वो आईज लुक स्मोकी नहीं आएगा। तो पहले आप अच्छे से स्मच कर लीजिए। जैसे आप स्मच करेंगे तो आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है, उससे आप स्मच कीजिए अच्छे से। वाटर लाइन के अंदर आपका जो है कलर ना जाए, वाटर लाइन के बाहर ही। और आईलाइनर की जहाँ वाइन ख़त्म होती है, वाइन आईलाइनर का जहाँ ख़त्म होगा वहाँ आपको थोड़ा सा हल्का सा आईलाइनर के नीचे आपको एक अंडरलाइन दे देनी है, ताकि जो आपका लुक है वो थोड़ा अच्छा लगे, यानी कि टेंट में आए, थोड़ा सा आपका जो आइस लुक है वो टेंट लगे। यू नो, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अभी आप देख ही पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो नाउ इतना मेरा कंप्लीट है आइस लुक। इसके बाद फिर मैं यहाँ यूज़ करूँ इसी पैलेट में से कंटोरिंग शेड, जो कि मैंने यहाँ ब्राउन शेड लिया है और यहाँ कंटोर करूँगी मैं बहुत। यहाँ मतलब कि मैंने ज़्यादा डार्क कंटोर नहीं किया, बहुत लाइटली कंटोर करूँगी अपने फेस को, क्योंकि मेरा फेस पहले से ही पतला है तो मैं ज़्यादा कंटोर नहीं करूँगी। अगर आपका फेस भी पतला है तो आपको कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, नोज़ कंटोरिंग आप ज़रूर कीजिए, नोज़ को कंटोर ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारे जो कैमरे में फ़ोटो हमारी कैप्चर होती है वो शेप में आए फ़ोटो, और फेली फेली से मतलब कि जो है हमारी नोज़ ना लगे। तो इसलिए नोज़ कंटोर हमेशा कीजिएगा, उसे कभी अवॉइड नहीं कीजिएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद मैंने यहाँ लिया है 7 Heavens का ये ब्लशर, जो कि काफ़ी अच्छा है और पिगमेंटेड भी है, और इसका जो शेड है बहुत ही ब्यूटीफुल है, नाइट लुक के लिए बेस्ट है। एंड इसको मैं बस लगा लूँगी अच्छे से अपने पूरे चीक्स पर। अगर आप चाहो तो आप ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, ब्रशर कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन बट मैं यहाँ ब्रश से लगा रही हूँ, ब्रश का मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ बस हो गया है मेरा जो है बेस कंप्लीट। इसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। तो आप देख पा रहे हैं मेरे चीक्स, एंड यहाँ मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, जो कि मैंने यहाँ लिया मिसोज का हाइलाइटर, मेरा ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर है, जिसे मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ। बजट फ्रेंडली है, थोड़ा सा मतलब कि हाई रेंज का है बट बजट फ्रेंडली भी है, एंड आपका ये लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा, 2 से 3 साल कहीं नहीं जाने वाला गाइस। हाइलाइट का यूज़ ज़रूर कीजिए, हाइलाइट का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर मेकअप किस काम का गाइस। हाइलाइट तो ज़रूर आपको करना ही करना चाहिए, बिना हाइलाइट के तो आपका जो है लुक बनेगा ही नहीं ना। तो नोज़ पर हाईलाइट मैं यहाँ ज़्यादा करूँगी, ताकि मेरी नोज़ जो है चंकी चंकी से लगे। तो गाइस यहाँ बस हो गया मेरा हाइलाइटर कंप्लीट, एंड अपने आईब्रोज़ के नीचे भी हाईलाइट करूँगी, यहाँ हाईलाइट करना ज़रूरी होता है, और अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूँगी आइज़ के पास। तो गाइस आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हाईलाइट करो तो आप कोई भी आप ब्रश ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई एक फ्लैट ब्रश ही चाहिए, जो भी आपके पास ब्रश अवेलेबल है वही लीजिए, ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इतना। तो यहाँ मैं दोबारा कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब कि लुक और भी ज़्यादा थोड़ा ग्लो करने लगे। इसके बाद मैंने लिया है मिस रोज़ की ये लिक्विड लिपस्टिक, जो कि काफ़ी अच्छी है, मेरी ये शेड मेरा फेवरेट है, और मेरी साड़ी के साथ ये मैच करता हुआ ये शेड है। तो लिक्विड लिपस्टिक जब भी अप्लाई करो तो अच्छे से अच्छा कंपनी का ब्रांड का आप लिप बाम अप्लाई कीजिए, ताकि आपका जो लिक्विड लिपस्टिक का शेड है ना वो आपका एकदम स्मूथ लगे, आपका एकदम मक्खन की तरह लगे, बिल्कुल भी लगे ना कि आपका फट रहा है कलर बीच में से, जैसे कि मेरा यहाँ लग रहा है गाइस। तो बस यहाँ मैं अच्छे से लगा लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स का ही फेस मिस्ट, जिसे मैं एज अ अपना सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूँगी, मेरा मेकअप सेट हो जाए, जिससे कि फ्रेशनेस आ जाए मेरे फेस पर। इसके बाद मैंने यहाँ चूड़ी उड़ी पहन लिए गाइस, यहाँ मैंने चूड़ी उड़ी बैंगल्स सब पहन लिया है। इसके बाद मैं यहाँ बस क्या करूँगी, सिंपल से हेयर स्टाइल कर रही हूँ। मैंने यहाँ सेट की जो है लेयर निकाली है, और लेयर बाय लेयर लेके अच्छे से पीछे से क्लच कर लूँगी, और आगे से भी एक लेयर लेकर पीछे से पुट अप कर लूँगी, और आगे से थोड़ा सा यहाँ मैं आगे से पुश करूँगी, ताकि जो है बाल थोड़े और उठे उठे से अच्छे लगे। तो बस क्लच आपको कर लेना अच्छे से, एंड ये लुक आपका जो है कंप्लीट है। इतना हेयर स्टाइल मुझे तो आता था खुले बाल रखने की, अगर आपको आता था तो आप भी इस तरीके का हेयर स्टाइल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थोड़े से बाल आगे कर लीजिए, एंड बस चलिए मिलते हैं अपने पूरे लुक के साथ आपसे। एंड पहले तो मैं साड़ी आगे से थोड़ा सा आप जो है अपनी लेयर निकाल लीजिए, ताकि आपका जो लुक है ना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे गाइस, और भी ज़्यादा आपका जो है टेंटी लगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है लुक आपको ये? आप इस लुक को आप किसी भी ओकेजन पर क्रिएट कर सकते हैं, एंड आपको तो पता ही है कि सावन स्टार्ट हो गए हैं, तो इस लुक को आप क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये लुक लगेगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा मेरी आने वाली मोर नोटिफिकेशन के लिए। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय। माही मैनू छड्डियो ना, के तेरे बिन दिल नहीं ओ लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना।
तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं क्या तेरे